ये देखिए, ये गोंद का तीरा इस तरह से दिखता है। ये एक तरह की नेचुरल गोंद है। इसे गर्मियों में ही खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, ये लू और गर्मी से बचाता है। गोंद का तीरा सख्त होता है, इसलिए इसे यूज करने से पहले कम से कम 5-6 घंटे पानी में भिगो के रखना पड़ता है ताकि ये फूल जाए और नरम हो जाए। लेकिन आज मैं आपको एक और दूसरा तरीका बताने वाली हूँ जिससे ये बहुत कम समय में फूल जाएगा। आज मैं दोनों तरीके से आपके सामने गोंद कतीरे को भिगो के रखूंगी ताकि आप देख सकें कि कौन सा गोंद कतीरा जल्दी फूल जाएगा। ये मैंने 2 कटोरियां ली हैं, दोनों में 1-1 टीस्पून गोंद कतीरा डाल दूंगी। अब मैं 1 कटोरी वाले गोंद कतीरे को ग्राइंड करूंगी। एक ग्राइंडर जार लूंगी, उसमें गोंद कतीरा डालूंगी और इसे ग्राइंड कर लूंगी। गोंद कतीरे को हमने ग्राइंड कर लिया है, अब इसे कटोरी में डाल दूंगी। अब मैं दोनों कटोरियों में एक जैसा पानी डालूंगी, इसको ऊपर तक भर दूंगी कटोरियों को, क्योंकि गोंद कतीरे में पानी ज्यादा डालना पड़ता है, ये पानी ज्यादा सोख करता है। अब इनको एक बार मिक्स कर देती हूँ। अब इन्हें ढक के रख देंगे और आधे घंटे बाद इन्हें फिर से चेक करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी। आधा घंटा हो चुका है, अब दोनों गोंद कतीरे को चेक करते हैं। जो गोंद कतीरे को हमने ग्राइंड नहीं किया था, ये देखिए, ये वैसे का वैसा ही है। जो गोंद कतीरा हमने ग्राइंड किया था वो देखिए अच्छे से फूल गया है और पूरी तरह से नरम हो गया, तो इसे आधा घंटा भी नहीं लगा, ये 15-20 मिनट में ही फूल के नरम हो गया है। तो अगर आपको जल्दी है, आप ग्राइंड करके गोंद कतीरे को पानी में भिगो सकते हैं। ये जो मोटा वाला गोंद कतीरा है, इसको कम से कम 5-6 घंटे सॉफ्ट होने में लगेंगे, तो क्योंकि हम तो रोज ही इसका इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमें पता है। आशा है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फीडबैक दें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।